नमस्कार, आप देख रहे हैं जी हिंदुस्तान। सुबह के 10 बज रहे हैं और 10 का दंगल के साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। उत्तर प्रदेश के चुनाव में आमने सामने जंग लड़ रही पार्टी के नेताओं के बीच जुबानी जंग धारदार होती जा रही है। एक तरफ से जुबानी हमला होता है तो दूसरी तरफ से अंगारों की जुबान में जवाबी वार भी आ जाता है। यूपी के 2022 समर में एक तरफ साइकिल पर सवार अखिलेश यादव हैं तो दूसरी तरफ मोदी और योगी की जोड़ी है। बीजेपी सपा की एबीसीडी जनता को बताती है तो अखिलेश यादव जनता को बीजेपी का ककहरा बतलाते हैं। यूपी में शीतलहर का प्रकोप है, ठंड है, पारा हर रोज गिरने का रिकॉर्ड बना रहा है। और अब बात अगर गिरने और रिकॉर्ड बनाने की हो तो नेता भला पीछे कैसे रह सकते हैं। नेता भी रिकॉर्ड बना रहे हैं लेकिन यहां नेता रिकॉर्ड बदजुबानी और गैर मर्यादित भाषा बोलने का बना रहे हैं। बीजेपी को सपा की लाल टोपी में लाल अलर्ट दिखता है तो समाजवादी पार्टी ने भी दो कदम आगे जाते हुए पलटवार किया और योगी सरकार की तुलना सांड और बुलडोजर से कर दी। चुनावी मौसम है तो छोटी से छोटी बात पर विरोधियों के लिए मुद्दा मिल जाता है। यूपी के रण में बाहरी पर सियासी संग्राम अब छिड़ गया है। जिन्ना, हिंदू मुसलमान, ब्राह्मण, दलित, यादव के बाद बाहरी पर नेताओं के बीच अब सिर्फ फुटबॉल चालू है। समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने कहा कि योगी आदित्यनाथ उर्फ अजय सिंह बिष्ट उत्तराखंडी हैं, बाहरी हैं। अब सपा के सिपाही ने योगी पर हमला बोला तो सपा के मुखिया के पीछे जो नेता है वो कहां चुप रहने वाले थे। उन्होंने भी सीएम योगी को दूसरे प्रदेश का कह दिया। अब यूपी बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे पर विपक्ष ने हमला किया तो बीजेपी की तरफ से ताबड़तोड़ जवाबी हमले भी शुरू हो गए और फिर से जिन्ना का जिन बोतल से बाहर आ गया और कह दिया कि जिन्ना अखिलेश के अपने हैं तो ऐसे लोगों को योगी बाहरी तो लगेंगे। आज 10 का दंगल में इसी पर होगी बड़ी बहस। जो 5 साल से यूपी का सीएम है और कई सालों तक यूपी से सांसद थे तो अखिलेश और उनकी समाजवादी पार्टी के लिए बाहरी अब कैसे हो गए। समाजवादी पार्टी क्या योगी और संतों के खिलाफ धर्म युद्ध चला रही है, इसी पर बड़ी बहस। लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जिन्हें पसंद बाबरी उनका मुद्दा बाहरी। आने वाले समय में साइकिल की सरकार बनेगी। ऐसे तत्वों के मंसूबों को समझना होगा। जिन्ना जिनके अपने, योगी उनके लिए बेगाने। यूपी के कर्म योगी बाबुआ के लिए पराए। यूपी का रण है, वादों और दावों का शोर है, इसलिए जुबानी तीरों का जोर है। सियासी पारा गरमाया तो यूपी की लड़ाई बाहरी तक आ गई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को घेरने में लगा बबुआ गैंग अब ऊंची सियासत पर उतर आया है। लाल ब्रिगेड ने अब यूपी के सियासी रण में अपने बनाम बाहरी का शिगुफा छोड़ दिया है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आईपी सिंह ने योगी आदित्यनाथ पर ट्वीट कर वार किया कि योगी आदित्यनाथ उर्फ अजय सिंह बिष्ट उत्तराखंडी हैं। जब किसी उत्तराखंडी को सीएम बनाना था फिर भाजपा ने हमारे प्रदेश का बंटवारा क्यों किया। बाहरी भगाओ, यूपी बचाओ, गुजरात में गुजराती ही मुख्यमंत्री बन सकता है, कोई और नहीं। दरअसल समाजवादी प्रवक्ता अपने आका अखिलेश यादव की राह पर ही चल रहे हैं। कुछ महीने पहले अखिलेश यादव ने भी योगी आदित्यनाथ के लिए कहा था कि वे दूसरे प्रदेश से आए हैं। समाजवादी पार्टी के वार पर बीजेपी ने पलटवार करने में देर नहीं लगाई। बीजेपी ने कहा जिन्हें जन्ना अपने लगते हैं वो योगी को कैसे बाहरी कह सकते हैं। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की कर्मभूमि उत्तर प्रदेश है। आज उत्तर प्रदेश के लिए उन्होंने अपने पूरे जीवन को लगाया है और आज ऐसी परिस्थिति में इस प्रकार की अपमानजनक बातें अगर कोई कहेगा, उन्हें उत्तर प्रदेश का बाहरी बताने का प्रयास करेगा। ये वही लोग हैं जिनको जिन्ना आज उनके अपने लगते हैं लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को वो बाहरी बताने का काम कर रहे हैं। ये बताने की जरूरत नहीं कि योगी आदित्यनाथ बीते 4.5 सालों से यूपी की किस्मत संवार रहे हैं। सूबे के कोने कोने में विकास की गंगा बहा रहे हैं। 5 बार गोरखपुर से सांसद रह चुके हैं। ऐसे में बबुआ गैंग का बाहरी वार महज सियासी प्रोपेगेंडा नहीं तो और क्या है। जी मीडिया। तो चलिए 10 का दंगल में बहस की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपने मेहमानों से आपको मिला देता हूं। हमारे साथ हैं मनोज यादव, बीजेपी के प्रवक्ता, रमनीश वत्स राजनीतिक विश्लेषक हैं, विजय कौशिक कांग्रेस के नेता, तारिक अहमद लारी समाजवादी पार्टी के नेता, और हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं, अंजीत और मकसूद। चलिए मैं सबसे पहले ग्राउंड जीरो का ही आज रुख करूंगा। अंजीत, हालांकि यह पहली मर्तबा नहीं है जब सीएम योगी आदित्यनाथ को बाहरी बताया गया। इससे पहले याद कीजिए खुद अखिलेश यादव ने, शायद वो फरवरी का महीना था, जब कहा था कि सीएम योगी आदित्यनाथ तो बाहरी हैं, उत्तर प्रदेश ने उनको यहां पर
इतना सम्मान दिया तो जनता का भी ख्याल योगी आदित्यनाथ को रखना चाहिए। और अब आईपी सिंह ठीक चुनाव के समय ये बाहरी मुद्दा उछाल रहे हैं, क्यों ऐसा अजीत? देखिए ऐसा इसलिए है क्योंकि उनको ये लगता है कि इससे उनको फायदा हो जाएगा। और आईपी सिंह तो पहले बीजेपी में रहे हैं, बाद में समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। प्रत्युष एक बात बताता हूं आपको कि लगातार अलग अलग जिलों में हम जा रहे हैं, कुशीनगर, देवरिया, बस्ती, गोंडा, इधर गोरखपुर। देखिए कल कुछ लोगों से बात हो रही थी, वो आम जनता थी, वो उससे कोई लेना देना राजनीति का नहीं था। परसेप्शन ये है कि योगी आदित्यनाथ जब उनके पिता की डेथ हुई थी पिछले दिनों, तब वो उत्तराखंड नहीं गए। उन्होंने कहा कि ऐसा मुख्यमंत्री जिसको अपने परिवार से कोई मतलब नहीं, जो जनता की सेवा में लग गया, अगर इस तरह की भाषा का उसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो परसेप्शन बीजेपी के पक्ष में बनेगा। और प्रत्युष यकीन मानिए ये परसेप्शन जो बनेगा उससे बीजेपी को फायदा होगा, उससे नुकसान नहीं होने वाला है। भले आईपी सिंह को ये लगता हो कि राजनीतिक बात करेंगे तो उससे बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा अखिलेश यादव को, कोई फायदा होने वाला नहीं है क्योंकि लोग नहीं मानते ना उन्हें बाहरी, इनके मानने से क्या हो जाएगा। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लोगों के जहन में यह है कि एक ऐसा मुख्यमंत्री जो लगातार प्रदेश की सेवा कर रहा है उससे उसका कोई लेना देना नहीं, उसका कोई करीबी नहीं। ठीक है, चलिए अजीत, मैं मकसूद का रुख कर रहा हूं चूंकि मकसूद अयोध्या में है, धर्मनगरी में है, रामनगरी में है। मकसूद, अब यह भी कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ को पहले आपने चिलम वाला बाबा कह दिया, अब बराबर अपनी सभाओं में अखिलेश यादव बाबा बाबा करके हमले करते हैं और अब ये कह रहे हैं कि उनके पार्टी के प्रवक्ता ये तो बाहरी हैं। अब ये संत समाज के अंदर ये चर्चा चल रही है कि ये तो सीधे संत समाज पर हमला है। बिल्कुल प्रत्युष, सबसे पहले तो देखें मौसम, आप देख रहे होंगे सुबह के 10 बज चुके हैं, अमूमन इस वक्त तक धूप तेज होने लगती है भले ही सर्दी का मौसम हो, लेकिन दरअसल कुछ इसी तरह से इस धुंध में या इस कोहरे में और इसी कंफ्यूजन में शायद समाजवादी पार्टी भी है, न सिर्फ उसके मुखिया बल्कि उसके तमाम बाकी नेता भी, उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि दरअसल वो किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाए, लिहाजा वो बाहरी बनाम स्थानीय का मुद्दा छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि अंजीत ने बताया, ये वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जो कोरोना के वक्त में कैसे अपने परिवार से दूर थे, और चूंकि उत्तर प्रदेश के मुखिया तो यही उनका परिवार इसी की सेवा में लगे हुए थे। और अब आप बात कर रहे हैं संत समाज की, संत समाज नाराज है, नाराज इसलिए है क्योंकि वो योगी आदित्यनाथ खुद महंत हैं, गोरक्षधाम पीठ के वो खुद एक महंत हैं, वो योगी हैं, और कैसे एक योगी इस वक्त सेवा में लगा हुआ है और कैसे आप भाई जो संस्कृति है हमारी हिंदुस्तान की, जो परंपरा है वो तो वसुधैव कुटुंबकम वाली है, उसमें तो फिर हम पूरे विश्व को ही अपना। ठीक है, ठीक है मकसूद, मकसूद मैं आपके पास आऊंगा, मैं सीधे मेहमानों का रुख कर रहा हूं। तारिक अहमद लारी साहब, मुद्दे तो कई सारे हैं, उन सब मुद्दों की बजाय ये अपना ये बाहरी अंदरूनी ये क्या मतलब, सीएम योगी आदित्यनाथ 5 साल होने को हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, गोरखपुर के सांसद रह चुके हैं और अब वो बाहरी हो गए। लारी साहब आवाज जा रही है? जिस समय उनका नाम का अनाउंसमेंट हुआ था आप उस समय के मेरे ट्वीट पर, हाँ हाँ आ रही है मेरी आवाज, आ रही है आपको? आ रही है, बोले बोले बोले। देखिए जिस समय योगी जी मुख्यमंत्री बने थे, मैं अनाउंस किया था इन लोगों ने, उसी समय की बात बता रहा हूं, मेरे ट्वीट आप उठाकर पढ़िए, तो मैंने ये मुद्दा उसी समय उठाया था कि एक उत्तराखंडी यूपी का मुख्यमंत्री कैसे बन सकता है जबकि उत्तराखंड में कोई यूपी का व्यक्ति या प्लेन का उन्हीं का आप काशीपुर, बाजपुर, रुद्रपुर, खटीमा, किच्छा, हरिद्वार, देहरादून, यहां के व्यक्ति को आप मुख्यमंत्री बनाकर दिखाइए तो मैं मान जाऊं। वहां पे बहुत सख्त चलता है पहाड़ी बनाम देसी, तो हम तो एक्सेप्ट कर लेते हैं सबको, वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है बीजेपी ने एक मुद्दे पे 1996 में आरक्षण का, 1995 की बात होगी, आरक्षण के मुद्दे पे वहां पे आग लगा दी थी उत्तराखंड में और उसी को कन्वर्ट किया था उत्तराखंड बनाओ संघर्ष समिति में। तो ये जो आरक्षण, मैं आ रहा हूं मनोज यादव साहब, लेकिन मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, देखिए ये सर ये बाहरी वाला मुद्दा ना हर चुनाव में उछलता है, मैं आपको बता देता हूं, हो सकता है कि आपको इससे और ज्यादा पहले की जानकारी होगी। अब रिसेंटली बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी ने कहा ये बाहरी मुद्दा, यहां तक कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भी बाहरी बताया गया, बिहार में भी ये मुद्दा उछला था और उछालने वाले कोई और नहीं थे, खुद नीतीश बाबू थे, खुद लालू यादव थे, मोदी और अमित शाह की जोड़ी को कहते थे ये बाहरी है, गुजराती है। अब यही काम यूपी में भी हो रही है, क्यों ऐसा?
मतलब भारत के संविधान में ऐसा लिखा है क्या? तो उसमें कौन सी बात नहीं, ऐसा कोई लिखा है क्या कि भाई जो बाहरी है तो जो बाहरी है आप उत्तराखंड के वाले लोगों से पूछ लीजिए ना। नहीं नहीं भाई, वो उन्होंने तो संन्यास ले लिया, अपना घर परिवार सब छोड़ दिया। उन्होंने संन्यास ले लिया, घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया। चलिए संन्यास पे बात कर लेते हैं। जिस आदमी ने अपने बाप के मरने पे उनको जाके आखिरी बार सलाम तक ना किया हो वो पारिवारिक आदमी होगा, वो संन्यासी होगा। अरे संतों के संत महासंत, अरे वो तो कहते हैं कि भाई हमारा नहीं, वो कह रहे हैं मैंने अपना परिवार छोड़ा, निजी परिवार छोड़ा, पूरा यूपी मेरा परिवार है, पूरा देश मेरा परिवार है। चुप बैठिए, सुनिए महाराज। कौन घुस बैठिए महाराज? सुनिए महाराज, पहले पूरी बात सुनने का ताकत रखा करिए। अरे पूरी ताकत है सर, बोलिए ना, लेकिन काउंटर क्वेश्चन करूंगा तो सुनने की आप भी ताकत रखिए। बस नहीं, मैं आ रहा हूं मनोज यादव जी, आप बोलिए, लाली साहब बोलिए, जवाब क्या दे रहा हूं, बोलिए, उत्तर दीजिए। नहीं बैठता हूं, दीजिए धन्यवाद, उत्तर दीजिए, धन्यवाद कर लूंगा यहीं पर दोबारा कभी। उत्तर दीजिए सर, उत्तर दीजिए। संत योगी आदित्यनाथ इतने छोटे से संत हैं, एक संतों के संत महासंत, इतने बड़े संत जो हैं, उनकी पत्नी का इंतकाल हो गया, वो भी संत है, उनकी पत्नी का इंतकाल हो गया, वो आखिरी दर्शन करने गए थे, यहां तक कि उनके क्रियाक्रम में मौजूद रहे, क्रियाक्रम नहीं किया, क्रियाक्रम उनके बेटों ने किया, लेकिन क्रियाक्रम में मौजूद रहे। जिस आदमी ने योगी आदित्यनाथ या अजय सिंह बिट, जो भी नाम है, दो दो नाम के आदमी तो कर फर्जी होते हैं, जो जिस आदमी ने उसको इस दुनिया में लेकर आया, वो आदमी की डेथ हो गई और वो आदमी गया तक नहीं देखने, एक आखिरी सलाम करने तक नहीं गया, प्रणाम करने तक नहीं गया, मुझे शांति के लिए प्रार्थना करने तक नहीं गया। ठीक है मनोज यादव साहब, भाई है मनोज यादव साहब, भाई बहुत सारे सवाल लारी साहब ने यहाँ पर खड़े किए हैं और उनके संत और महंत होने पर भी इन्होंने एक गहरा प्रश्न खड़ा किया है। मेरा विशेष निवेदन है तारिक जी, आपके बीच में मैंने बोला नहीं, कम से कम मुझे ओपनिंग कमेंट मेरा पूरा करने देना। देखिए ऐसा प्रत्युष जी, सबसे पहली तो मैं तथ्यात्मक दो चार बातें बताता हूँ। महंत योगी आदित्यनाथ जी 1998 के सांसद हुए, 26 साल की उम्र में वो सांसद बन गए थे। उस समय इनको शायद याद नहीं होगा, उत्तराखंड का विभाजन नहीं हुआ था, नवंबर 2000 के अंदर उत्तराखंड का विभाजन हुआ, उस समय उत्तर प्रदेश ही बोला जाता था, पहला विषय। दूसरा विषय कहते हैं कि जाति न पूछो हो साधु की, पूछ लीजो ज्ञान, मूल करो तरवार का, पड़ी रहन दो म्यान। तो ये बताइए, जाति की कोई साधु की कोई जाति नहीं होती है, और साधु बनने के बाद में, दीक्षा लेने के बाद में इनसे लाड़ी साहब से हमको सीखने की जरूरत नहीं कि संत परंपरा हमारी क्या कहती है, सनातन हमारी क्या कहती है। सनातन परंपरा में अगर उसने संन्यास ले लिया है तो उसका मोह माया नहीं है किसी से भी, वो नहीं है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सीईओ बनकर के अपने परिवार का भला करने वाले हैं, वो साधु है, उनके लिए सबका सर्वे भवंतु सुखना सर्वे संतु निरामय की भावना रहेगी उनके अंदर, वसुधैव कुटुंबकम की वो रीति के ऊपर काम करेंगे। लेकिन इनका क्या है, इनका तो क्या है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलानी है, एक आदमी मुख्यमंत्री बनना है, एक आदमी का विकास होना है। और मैं तो कहता हूँ ना, आपके चाचा लगते हैं क्या, जो जिन नाकों लेकर के चुनाव में आते हैं, वो आपके चाचा है, वो अब्बा जान है आपके, वो अब्बा जान को चुनाव में विरोधी की राजनीति करने के लिए उसका महिमा मंडन करते हो, जिसकी वजह से देश का विभाजन हुआ, उसका महिमा मंडन करोगे, क्योंकि चाचा जाने अब्बा जाने आपको वोट बैंक चाहिए आपको। लेकिन बाबा योगी आदित्यनाथ इस देश के नागरिक है, उनके ऊपर आपको आपत्ति है, 1998 से वो सांसद है, जिस समय उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का विभाजन तक नहीं हुआ था, 2000 में विभाजन हुआ, उससे पहले वो सांसद बन गए थे। तो ये ड्रामा, व्यक्तिगत आक्षेप करना, व्यक्तिगत टारगेट करना, इनकी एक नीति है। अखिलेश यादव को पता है जीत तो सकता नहीं हूं, बाबा को कहेगा कैसे टारगेट करो। देखिए नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भी कितने आक्षेप हुए, आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री है जिनके व्यक्तिगत, जिनके चरित्र के ऊपर, जिनके व्यक्तिगत आक्षेप कितने लगाए गए, माता को गाली दी गई, पिता को गाली दी गई, क्या क्या नहीं बोला गया। तो इस देश के अंदर ये यूपी के जो लड़के, युवा लड़के आए थे, तो क्या राहुल गांधी बाहरी नहीं थे जी? विजय कौशिक साहब, ये ठीक एन चुनाव के समय में ये बाहरी मुद्दा क्यों? देखिए मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, कांग्रेस इस विचारधारा से कतई कोई इत्तेफाक नहीं रखती। नहीं, आपके लिए आपके लिए योगी आदित्यनाथ बाहरी हैं, उत्तराखंडी हैं, बिल्कुल, इसलिए वो यूपी का भला नहीं कर सकते, उनको यहाँ पर सीएम रहने का हक नहीं है, उनको यहाँ से सांसद भी नहीं बनना चाहिए था। मेरी बात तो सुन लीजिए आप जी, कांग्रेस पार्टी ये मानती है योगी आदित्यनाथ बाहरी नहीं है, वो इस देश के नागरिक हैं, और उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें सीएम चुना है, वो उत्तर प्रदेश के हैं। ये देश बंटवारे की जो
राजनीति है, कांग्रेस पार्टी इसमें विश्वास नहीं रखती। अगर अखिलेश यादव को अपने भारतीय होने पर या यूपी का होने पर ज्यादा ही विश्वास है तो वो आर्यों की थ्योरी पर जाएंगे, तो पता चलेगा वो भी बाहरी है, पता चलेगा उनके पूर्वज भी यूपी के बाहर के थे, तब कहां जाकर डूब कर मरेंगे। ये सब बातें देश को तोड़ने वाली होती हैं। कांग्रेस पार्टी ऐसी बातों का विरोध करती है, पहली बात। दूसरी बात कि साधु जब बन जाता है इंसान तो उसका परिवार से मोह नहीं रह जाता। अगर योगी आदित्यनाथ अपने पिता की मृत्यु पर नहीं गए थे तो मरने के बाद शरीर मिट्टी हो जाता है। मिट्टी के दर्शन तो आप कहीं कर सकते हैं, तो मैं उनकी सोच को व्यक्तिगत रूप से सलाम करता हूं। चलिए लाइए लारी साहब को और विजय कौशिक साहब दोनों को स्क्रीन पर रखिए, क्योंकि लारी साहब आप सुन रहे हैं विजय कौशिक साहब जो यहां पर सवाल कर रहे हैं। कीजिए विकास के मुद्दों पर, हां कि अगर विकास के मुद्दे पर योगी जी फेल हैं तो कांग्रेस पार्टी इस चीज को लेकर मैदान में है। अगर बेरोजगारी को मुद्दे पर योगी जी फेल हैं तो कांग्रेस पार्टी मैदान में है। अगर कानून व्यवस्था को लेकर योगी जी फेल हैं तो कांग्रेस पार्टी मैदान में है। हम मुद्दों की राजनीति करते हैं, हम भ्रम भटकाव और जातिवाद। मैं रमनीश वर्जी मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले पीसीआर में। हाँ जी लारी साहब, विजय कौशिक साहब ने कुछ यहां पर सवाल खड़े किया, आप मुस्कुरा रहे हैं भाई, ये बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है, ये कांग्रेस की तरफ से बोल रहा है। कल को लोग कहेंगे कि अखिलेश यादव संभल का है, कांग्रेस के वो नोएडा का नहीं है, कहा है नोएडा के लोगों को उसका बहिष्कार करना चाहिए, तब ये कहां डूब कर मरेंगे बताइए ना। अरे यार चुप होना, सीख लो ना, बात हो रही है हमसे, बोल रहे हो बीच में, आप मुझे बताइए आप। अरे भैया थोड़ी देर चुप हो जाओ, बहुत छोटे से हो यहाँ यूपी में, यूपी में बहुत छोटे से हो। इस बार जीरो का आंकड़ा आएगा, देखिए इस बार जीरो का आंकड़ा आएगा, प्रमोदवादी की लड़की भी नहीं जीत रही है इस बार। विजय कौशिक साहब, चलिए जीरो की है, विजय कौशिक साहब आपको आपको इन्होंने जीरो बता दिया, आपको इन्होंने जीरो बता दिया, लेकिन लारी साहब आप बोले उससे पहले मैं, आप कुछ बोले उससे पहले मैं जोड़ देता हूं, इसी जीरो को इसी जीरो की साइकिल में, नहीं इसी जीरो को कभी साइकिल में आपने बैठाया था। चलिए बोले लारी साहब, बिल्कुल बैठाया था, वो एक गलती थी, वो एक गलती थी, दोबारा नहीं होगी, वो शून्य है। तो इस बार तो ये शून्य के नीचे चले जाए, अगर नीचे वाली होती तो ये शून्य, ये -10 पे कहते। अरे भाई कौशिक जी चुप रहना सीख लो यार, चुप रहना सीख लो, तुम बोल रहे थे हम नहीं बोल रहे थे। दूसरी बात ये है, ये क्या बात कर रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही पार्टी है, कोई फर्क नहीं है। 84 के दंगों में सिखों का नरसंहार कांग्रेस ने करवाया, आज वही कार्यकर्ता बीजेपी के हैं, आज वही कार्यकर्ता बीजेपी के हैं, तो ऐसे लोगों के बारे में क्या कहिएगा, आके नाचेंगे गाएंगे चले जाएंगे। ये लोग चुनावी मेंढक है, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी चुनावी मेंढक है, चुनावी मेंढक बाहर आए हैं। मतलब इस चुनाव में लोग इतने कंफ्यूज हो जाएंगे, कौन किसकी बीटी में, समझना मुश्किल हो जाएगा। अब तक ये कहा गया कि भाई AIMIM जो है वो बीटी में बीजेपी की, समाजवादी पार्टी कहती है कि भाई बीजेपी और उसमें दोनों के बीच में साठगांठ है, नहीं अब समाजवादी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस और बीजेपी एक है। रमनीश वत्स लोग बहुत कंफ्यूज हो गए हैं, अभी जो कहा लारी साहब ने किए कांग्रेस और बीजेपी, ये तो दोनों एक ही है, समझ में नहीं आ रहा कौन किसके खिलाफ लड़ रहा है यहाँ। प्रत्युष इनकी दोनों की परिपाटी सेम है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। तुम तो थोड़ा अकल से काम लो, जो तुमको ऐसा इंडिपेंडेंट बुलाया, इंडिपेंडेंट के तौर पर बात करो, लेकिन तुम तो टोटल बीजेपी की बात कर रहे हो, तो चाटुकारता ही तो कहेंगे, वो भी गोबर सनी हुई चप्पल के, फटी हुई चप्पल के गोबर लगी है उसके चाटुकार कर रहे हो, तुम तलवे चाट रहे हो, फटी हुई चप्पल के तलवे चाट रहे हो, तुम गोबर से सनी हुई, गंदगी से सनी हुई, नाली से सनी हुई, दंगा पीड़ित उस समय ठंड में मर रहे थे, यही तो आप करते आ रहे हैं। आप एक व्यक्तिवाद,
अरे 2000 लोगों को तुम्हारे मोदी ने मरवा दिया, वहां कौन सी ठंड थी? सड़ीपार को तुमने होम मिनिस्टर बना दिया, वहां कौन सी ठंड थी? कश्मीर में तुमने 14 साल से लेकर 25 साल के नौजवानों को उठा के सेंटर में बंद कर रखा है, वहां कौन सी ठंड नहीं है? बच्चों को उठा उठा कर तुम लोग ये काम कर रहे हो, वहां का आतंकवाद दबाने की कोशिश बच्चों को उठा के कर रहे हो, तो क्या ये सही है? बच्चों को उठा रहे हो, बच्चा चोर गए साधु संत, ज्यादातर बच्चा चोरों को कहा जाता है, बच्चा चोर साधु संत के कपड़ों में आते हैं, आया है आतंकवादियों का बस हो गया है, जो संत लोग हैं वो बहुत ही शरीफ है, वो इस तरह की बातें नहीं करते हैं, ये आतंकवादियों ने गेहुआ बस डाल रखा है। उनकी आप भी तो परिपाटी आप जानते होंगे ना, 3500 पाने वाला एक मास्टर आज हजारों को, अरे मेरे भाई तुम अडवाणी के नहीं हुए, अटल जी का मरने में तुम्हारे नेता लोग ठाके लगा रहे थे, उनकी अस्थियां लेके मनोज यादव साहब को भी स्क्रीन पर लाइए। मनोज यादव जी बाहरी मुद्दा नया नहीं है और ये आरोप योगी आदित्यनाथ पर विपक्ष की तरफ से पहली बार नहीं लगा, ये सवाल पहली बार नहीं खड़े किए गए, इससे पहले भी विपक्ष ये सवाल खड़े करते रहा। लेकिन मेरा सवाल आपसे मनोज यादव जी, आवाज जा रही है ना मनोज यादव जी? हाँ मनोज यादव जी, मुझे एक बात बताइए, जब यही बाहरी मुद्दा नीतीश कुमार ने जब महागठबंधन हुआ था आरजेडी के साथ जेडीयू का, उस वक्त अमित शाह पीएम नरेंद्र मोदी को उन्होंने बाहरी बताया था, तो बीजेपी आग बबूला हो गई थी, उस चुनाव में बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा था, महागठबंधन की जीत हुई थी। उसके बाद आज वही नीतीश कुमार के साथ बीजेपी की गलबहियां हैं, तो उस वक्त बाहरी बोलना नीतीश कुमार का बुरा नहीं लगा था बीजेपी को? प्रत्युष जी मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ जी, हाँ जी, आपको। हाँ जी, ये जो उस समय मेरा विषय ठीक से जा नहीं पाया, मैं दो तीन बातें रखना चाहता था, उसके बाद सारे जवाब देता हूँ। देखिए 1998 से योगी आदित्यनाथ जी सांसद है, 36 साल की उम्र में वो सांसद बन गए थे, और तारिक लहरी जी को शायद ज्ञान नहीं होगा, मुझे लग रहा है 8 नवंबर के आसपास, नवंबर में 2000 के आसपास उत्तराखंड का और उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ, उत्तराखंड नया राज्य बना, तो उससे पहले तो उत्तर प्रदेश एक ही प्रदेश था। अब बोले ये बाहरी है या अंदरूनी है, पहला विषय तो यही चला जाता है, ये तर्क है, कुतर्क है, तर्क नहीं है, तथ्यहीन है। दूसरा विषय ये आता है कि साधु साधु जो होता है उसकी जात पात नहीं पूछी जाती है, और साधु जब दीक्षा धारण कर लेता है तो वो सन्यासी हो जाता है, उसके लिए माता पिता सब लोग समान हो जाते हैं, उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है। जो बोल रहे थे पिता के उसमें नहीं गए तो अलग विषय, इनको सनातन के परंपरा के बारे में ना तो ज्ञान है ना और कुछ बात है। तीसरा विषय मेरा ये है कि भाई जिन्ना इनके जो अब्बा जान है, इनके चच्चा जान है, जो सीईओ इनके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सीईओ अखिलेश यादव है, जिनको ये चाटुकारिता करते हैं, उनकी खूब चाटुकारिता करते हैं, एक ही व्यक्ति की चाटुकारिता करते हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि यह जो अब्बा जान आपके चच्चा जान जो जिन्ना है, जिन्होंने देश का विभाजन कराया था, उन अब्बा जान चच्चा जान को आप लेकर के आ जाते हैं, बोलते हैं कि हमारे अब्बा जान है, चच्चा जान है, वो महान थे, क्रांतिवीर थे, उन्होंने पता नहीं क्या क्या किया है देश के लिए। अपनी बात पूरी करें आप। मैं कह रहा हूं प्रत्युष जी, यदि अखिलेश यादव कृष्ण भगवान के वंशज मानते हैं, बोलते हैं कि बार बार मेरे कृष्ण भगवान सपने में आते हैं, बोलते हैं कि तुम्हारी जीत पक्की है बबुआ, तो मैं कहता हूं कि गोरक्षक कृष्ण भगवान गोरक्षक थे, और यदि ये गोभक्षकों की गोदी में जाकर बैठ गए, गोभक्षकों की गोदी में बैठे हुए हैं, माई समीकरण की राजनीति करते हैं, और इनको कृष्ण भगवान आकर कहते हैं क्या बबुआ तुम्हारा सरकार बनेगा। यदि अखिलेश यादव यदुवंशी है, असली यदुवंशी है, तो मैं कहता हूं कि औरंगजेब जो आक्रांता था, जिसने 1660 में ईदगाह बनाई कृष्ण भगवान के जन्म स्थान पर, मैं कहता हूं कि बताओ उसको छुड़वाने का वो प्रयास करेंगे कि नहीं करेंगे। मैं चुनौती से उनसे पूछना चाहता हूं, क्या ईदगाह को छुड़वाने, ईदगाह को हटाने का काम करेंगे? अरे गोरक्षक थे कृष्ण भगवान, तुम तो गोभक्षकों की गोदी में बैठ गए हो केवल वोट बैंक की राजनीति करने के लिए। लारी साहब जवाब दीजिए, बात करते हैं लारी साहब जवाब दीजिए, बीजेपी ये कह रही है इस बयान पर बाहरी वाले पर, जहां पर समाजवादी पार्टी को योगी आदित्यनाथ बाहरी दिखते हैं, जिन्ना में उनको अपने चचा जान दिखते हैं। प्रत्युष जी इनको बाहरी का और जवाब देता हूं मैं, जिन्ना में मिले मुलायम काशीराम बहुत आराम से, काशीराम कहां से आए थे? मनोज भाई मैंने बहुत आराम से सुनी आपकी बात, मिलकर के सरकार बनाई। अरे मैंने बहुत आराम से सुनी आपकी बात, और मेरी बारी है। ये बबुआ जो था, बबुआ के साथ में अपने साइकिल 2 यूपी के लड़के थे, क्या वो बाहरी नहीं थे? देश का नागरिक इनके लिए बाहरी हो गया है, लेकिन जिन्ना इनका चच्चा जान। ठीक है जवाब सुन लीजिए मनोज यादव, जवाब सुन लीजिए मनोज यादव जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए लारी साहब, जवाब दीजिए, राजनीति करनी है, जवाब दीजिए। देखिए
सीधी सी बात मैं ये कह रहा हूं कि हमारे अब्बा जान और चचा जान जाकर पाकिस्तान में मजार पे जाके, जिन्ना की मजार पे जाके उनको सबसे बड़ा सेक्युलर नेता कहकर भो भो करके नहीं रोए थे। हमारे चचा जान या अब्बा जान अटल बिहारी वाजपेयी, उनके नाम से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिना हॉल नहीं बनाए थे जो उन्होंने बनाया है। हमारे अब्बा जान चचा जान इस समय जो बैठे हुए हैं, दाढ़ी बाबा मोदी जी 2000 लोगों के हत्यारे हैं, उन्होंने क्या नाम है बम्बई में जिना के घर को मेमोरियल बना दिया है। हमने नहीं बनाया है। इनको जिना बहुत पसंद है। इनका बेस जिना को पसंद था। मिलकर देश का बंटवारा कराया था और साथ में कांग्रेस कराया था। 2000 महिमा मंडन करते हो, आज भी इस देश का खाते हो, पाकिस्तान का खाते हो, तारिकलेरी यार, इस देश का खाते हो, पाकिस्तान का खाते हो, गुंडा गुंडा थाली में खाते हो, छेद करते हो, खुद कहता है कि मैं गुंडा हूँ, तारिकलेरी है क्या है, उत्तर प्रदेश में मुझे बताओ, देश में टिकट की राजनीति, माई समीकरण की राजनीति कौन करता है, समाजवादी पार्टी करती है, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के साथ करती है। हम लोग कुश्ती गण की राजनीति नहीं करते हैं, तारीख लगी तुम लोग क्या गण की राजनीति नहीं करते हैं, अब्बा जान सत्ताधर का महिमा मंडन नहीं करते हैं, तुम लोग तो कतरीपार हो, तड़ीपार हो कि नहीं हो। अच्छा ये बता, सुप्रीम कोर्ट ने क्या नाम है, अरे जो होम मिनिस्टर है नाम भी भूल जाता हूँ, उसको तड़ीपार किया था कि नहीं किया था, कोई याद आ जाएगा नाम अच्छे से, याद आ जाएगा तुमको नाम अच्छे से, मुख्यमंत्री था बताओ ये भी, कोई याद आ जाएगा। और ये योगी आदित्यनाथ है इसलिए बिल बुला रहे हो, ये योगी आदित्यनाथ है बिल बुला रहे हो इसलिए क्योंकि योगी आदित्यनाथ के शासन काल में कानून व्यवस्था एकदम व्यवस्थित है। एक 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 आतंकी को, आतंकी मानसिकता के लोगों को ढूंढ ढूंढ करके एनकाउंटर किया गया है जो कानून व्यवस्था को ध्वस्त कर रहे थे। अरे आपको तो पेट में मतलब होगा, सारे थाने आप चलाते थे, एसएसओ को आपने मुट्ठी में बंद कर रखा, कानून व्यवस्था को आजम खान ने किल्ली ले रखा था, ठीक है अहमद ने किल्ली ले रखा था, बिल बुलाएगा तारिक अहमद, तारिक लहरी बिल बुलाना होगा, उत्तर प्रदेश में जनरल राज करता था उत्तर प्रदेश में। अरे ठाकुर साहब शर्म नहीं आई, ठाकुर साहब शर्म आई औरतों का ब्लाउज फाड़ते हुए, अरे किसने ब्लाउज फाड़े, किसने फाड़े, नहीं शर्माई ना, अरे बताइए ठाकुर साहब, मनोज सिंह ठाकुर साहब, ठाकुर मनोज सिंह आपको शर्माई औरतों का ब्लाउज, मैं यादव हूँ ठाकुर नहीं हूँ, मैं फड़वाया था, मैं ठाकुर नहीं हूँ, मैं यादव हूँ, आपको ज्ञान नहीं है, सारी क्लैरी आपको ज्ञान नहीं है, अरे गलत है आप यादव, आप गलत यादव, अच्छा लारी साहब मैं बहुत देर से सुन रहा था, आप दोनों को सुन रहा था, लारी साहब बात तो सुन, एक सेकंड सवाल सुन ली, लारी साहब मनोज यादव को आपने कहा ठाकुर साहब बात सुन लो, ये बार बार सवाल खड़े किए जाते हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से कि भाई ये तो ठाकुरों की सरकार है, बीजेपी कहती है कि ये तो यादवों की सरकार थी जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती है, ये यादव और ठाकुर, नहीं नहीं यादव और ठाकुर ये चल क्या रहा है, मुझे लारी साहब जरा आप बताएंगे, परिभाषित करें कैसे क्यों ठाकुर और यादव। हाँ बताइए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, जी बताएं, ये सवाल का आंसर जब रखे हुए था भाई, एक बात बताइए, स्टेट में कितने जिले हैं, कई जिले हैं, आखिर ऐसी कौन सी बात है कि यादव नाम का सिर्फ एक एसएसपी है और बाकी कोई नहीं है, डीएम भी नहीं है, बैकवर्ड नाम के शून्य एसएसपी और डीएम है या कमिश्नर है, 5% SC ST है, 48% ठाकुर डीएम और एसपी है, क्यों ऐसा है, ऐसा क्यों है, तो ठाकुरों की सरकार नहीं कहेंगे आप, यहां लखनऊ में आइए, 17 थाने हैं, 15 अखिलेश यादव की जब सरकार थी, मैं बताता हूं आपको, जवाब देता हूं, ठाकुरों की सरकार कहेंगे, हम इनको तो ठाकुर इसलिए कह रहे हैं, हम मनोज भाई आपको ठाकुर इसलिए कह रहे हैं कि जब वो यादव महिला के कपड़े फाड़े गए थे तो आपने पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया था ना, आपने विरोध किया था,
तो आप ठाकरों के रम में बस गए हो, आप उनके रोम रोम में बसे हो, वो ठाकरों के साथ आप हो। ठीक है, आपने 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 ठीक है लारी साहब आपने कहा कि भाई आज के समय में बता दीजिए कितने ठाकुर है कितने यादव हैं। तो एक सर सर जी यदा ही धर्म अरे सर एक मिनट, यदा ही धर्म से ग्लानिर भवति भारत अभ्युत्थानम धर्म से तदात्मनम सुजाम्यहम परित्राणाय साधूनां विनाशाचाय दुष्कृताम धर्म संस्थापना अर्थाय संभवानी युगे युगे। तो ये इसीलिए योगी बाबा आए हैं, इसीलिए योगी बाबा आए हैं जो मेरे दोस्तों ने अत्याचार किया था, जो जंगल राज मचाया था, जो एक परिवार के 20 लोगों ने शासन किया था, सैफई गांव पूरे उत्तर प्रदेश में तांडव मचा रहा था, आजम खान तांडव मचा रहे थे, अतीक अहमद तांडव मचा रहे थे, और ये तो आपने तो देहांता कर दी थी, आपने तो बहुत बड़ा अन्याय किया। आपको पता है वो कुंभ का संयोजक किसको बनाया, संयोजक बनाया सनातन का, ज्ञान भी नहीं पता, सनातन का अस्तित्व तक नहीं पता है। लारी साहब ठीक है लारी साहब, चूंकि आपने आपने कहा कि भाई आप बता दीजिए कि यूपी में जितने जिले हैं कितने ब्राह्मण हैं कितने ठाकुर हैं, वो डेटा भी अपने पास है, एक डीएम यादव एक डीएम एसपी है, बाकी में ठाकुर है ब्राह्मण है एससी ये सब है। लेकिन आपकी सरकार के समय में 6 साल पुरानी एक अखबार की रिपोर्ट है जिसमें 1526 थानों में 600 यादव थानेदार थे वो यादव थे, 2005-06 में शायद मुलायम सिंह यादव की सरकार थी उस वक्त, और उस वक्त जितने भी कांस्टेबल्स थे उसमें से 40% यादव थे, और उस वक्त ये सवाल भी काफी उठा था कि भाई पुलिस का यादवीकरण हो गया क्या, वो क्या था सर? ठीक है आप हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, आपने तो सबका साथ सबका विकास की बात की थी, नहीं चूंकि आपने यादव ठाकुर पर बात यहां पर छेड़ी इसलिए मैंने इसका जिक्र किया, भाई इसीलिए मैं जवाब दे रहा हूँ। आपने कहा 1500 कुछ थानों में से 600 थाने पर यादव थे, महाराज यहाँ 1500 में से 1100 पे ठाकुर तैनात हैं, 1100 पे, मैंने लखनऊ का आपको बता दिया, 17 थाने हैं, 17 में से 14 पे ठाकुर तैनात हैं। कितने परसेंट हो गए? मुझे बताओ कि आप हमको इल्जाम लगा रहे थे, आप तो हमसे बदतर निकले, थानों को चलाता था केवल अखिलेश यादव का परिवार, थानों को चलाता था आजम खान, थानों को चलाता था जो आपके थानों को चला रहे थे केवल गुंडे, आपका ये रत्नेश सिंह चौक ठाकुर, हम सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के साथ चलते हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे डिप्टी सीएम है, मैं आपको यादव कह सकता हूं, दिनेश शर्मा हमारे डिप्टी सीएम है, आपको पता होना चाहिए। और तीसरा विषय मैं बता देता हूं आपको बता देता हूं, केवल और केवल अखिलेश परिवार के अलावा आपने गलती हो गई ठाकुर साहब, नियोजन नहीं किया, किसी को चेयरमैन बनाया, किसी को बाकी मेहमानों को भी लाइए, बाकी मेहमानों को भी स्क्रीन पर लाइए, विजय कौशिक साहब को लाइए, रमनीश वस्त को लेकर के सामने आइए, विजय कौशिक साहब पर्सनल एक्सपीरियंस, ये बहस आप सुन रहे हैं ना हरे साहब, एक पर्सनल एक्सपीरियंस सर जल्दी से कहें अपनी बात, क्योंकि बाकी मेहमानों को भी मुझे वक्त देना जी। रत्नेश सिंह यहाँ, हाँ जी, रत्नेश सिंह यहाँ चौक का थाना अध्यक्ष था, एक मामला हो गया मुझसे ही 7 लाख रुपए रिश्वत मांगी थी, तो वो 7 लाख में मुख्यमंत्री का कितना हिस्सा था, मुझसे तारिक अहमद लारी से 7 लाख रुपए रिश्वत मांगी थी साले ने, रत्नेश सिंह नाम ले रहा हूं उसका, रत्नेश सिंह तो आप कोर्ट में क्यों नहीं गए, रत्नेश में क्यों नहीं गए, उसका बताया कितना हिस्सा गया, बताया आपने क्या इसकी शिकायत दर्ज कराई, यहाँ बड़े बड़े होकर चाड़ी थोड़ी छाटी करके भाषण दे रहे हो, ऐसा नहीं दिया गया, आपने इसी को एफआईआर कर दी, माताओं कोर्ट में पड़ते में गए, अब सुनता है ट्रांसफर हो गया उसका, उसके खिलाफ में अब सुनता है ट्रांसफर हो गया उसका, तुम्हें नहीं है मतलब कोर्ट में निपटूंगा उससे, ठीक है तो ऐसा है हल खींचूंगा कोर्ट में, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे तारिक अहमद रिश्वत मिली आपको, ठाकुर साहब जानता है इतना हिस्सा था आपका, 7 लाख की जनसंख्या जानती है कि किस तरह से जंगल राज मचा हुआ था, किस तरह से भ्रष्टाचार का चरम पर था, विजय कौशिक चल रहा था, पम्मी जैन से कौशिक की लड़ाई, ये लड़ाई धीरे धीरे करके ये दुनिया पे पहुंच गया, धीरे धीरे ये लड़ाई अब ये बाहरी से ज्यादा ये निजी लड़ाई होती जा रही है परिवार, विजय कौशिक ये आपकी यूएसपी थी, ये मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ, ये तारिक अहमद लारी हो या बीजेपी के प्रवक्ता हो, मनोज भाई जरा शांति से सुन लीजिए, एक बात स्पष्ट हो चुकी है
कि उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की पुलिस को संगठित अपराधियों के गिरोह में तब्दील कर दिया है प्रदेश की राजनीति ने। कांग्रेस पार्टी इस पर लगाम लगाने की कोशिश करेगी। आपके जो जातिवाद का तहत पार्टी पुलिस में खोल दिया है उसको खत्म करेगी। और हमारे लिए योगी जी बाहरी नहीं है, वो खूब चुनाव लड़े। हम मुद्दों पर आधारित राजनीति करते हैं। मनोज यादव जी, आज तो आप ही की टीम, आप तो आप ही की टीम से खेल रहे हैं। समाजवादी पार्टी है, आपका जो समाजवादी पार्टी है, इनके रंग ढंग साबित कर रहे हैं। आप क्या मुद्दों पर अपराध फैलाने में विश्वास रखते हैं? ये भी जातिवाद का जहर फैलाने में विश्वास रखते हैं? ये भी प्रदेश में बीजेपी और आप दोनों लोग में खेल रहे हैं बीजेपी से, और इनका प्रदेश के विकास से कोई लेना देना नहीं है, कानून व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। ये तो केवल यादव और दल का विकास कर दिया था। आपने तो जनता को तोड़ने तक नहीं दिया, आपने तो जनता को तोड़ने तक नहीं दिया। लाइन से हम लोग ने काम का काम जब चालू किया है, तब जनता को बताया कि देश कैसे चलता है। रोजगार मिले हैं लोगों को, कोरोना काल में कितना बढ़िया व्यवस्थित के मैदान में संभालने का काम किया, वो क्या अच्छा सराहनीय काम नहीं है? कानून व्यवस्था, कानून व्यवस्था तो ध्वस्त हो चुकी थी। विजय कौशिक साहब, भाई आपकी लड़ाई सत्ता में बैठी बीजेपी के साथ है, लेकिन आपके पूर्व सहयोगी ही आपको जीरो मानते हैं, शून्य मानते हैं। वो कहते हैं कि आपकी हैसियत नहीं है, पिछली बार गठबंधन करके बहुत बड़ी महागलती कर दी थी। अगर ये जीरो ना होती ना, तो समाजवादी पार्टी कभी 9 सीटों से ऊपर जिंदगी में ना बढ़ पाती। अच्छा। कभी सत्ता का सम्मान भी नहीं ले पाती। जीरो के बगैर तो कोई गिनती पूरी होती नहीं है। और मैं एक चीज कह रहा हूँ, ठीक है हम जीरो पर पहुंचे थे, लेकिन इतिहास रहा है, वो जीरो से भी हम लग जाएंगे, उसको जीरो बना देंगे, हम सत्ता में पहुंचे हैं। अच्छा एक बात बता दीजिए, लारी साहब अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, मुझे एक बात बता दीजिए, कल को अगर अखिलेश यादव को सरकार बनाने के लिए इसी जीरो की जरूरत पड़ेगी, जीरो वाली पार्टी की जरूरत पड़ेगी, हाथ बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे कि झटक देंगे? ये पैरों में लेट जाएंगे सत्ता के। अच्छा, पैरों में लेट जाएंगे? बिल्कुल नहीं, इनके इनके मेजोरिटी में आ रहे। अरे अरे, हम लोग तो मेजोरिटी में आ रहे हैं। अच्छा। ये पीछे पीछे आएंगे, जैसे प्रमोद तिवारी वगैरह सब मुलायम सिंह जी का हर समय चाटुकारिता करते थे, दल्लागिरी करने के लिए। दल्लागिरी लफ्ज का नाम इस्तेमाल कर तो आपकी पार्टी करती है। यूपी कांग्रेस कमेटी सिवाय दलालों और दल्लों के अलावा कुछ नहीं है। आपकी सिर्फ दल्लागिरी करती है यूपी कांग्रेस कमेटी की आड़ में। डकैती का बहुत बड़ा बैठे हुए वहां पे, सिवाय आप जाति बेच रहे हैं और कोई काम नहीं करते। इस बार तो ये शून्य पर रहेंगे, क्यों जाएंगे? ये शून्य की पार्टी है, शून्य ही रहेगी। दल्लों की पार्टी, दलालों की पार्टी है ये दल्ला गिरी करती है और कुछ नहीं करती है। बड़ा बड़ा दल्ला गिरी का काम करवा लीजिए आप इनसे, वो काम धर्म के ऊपर मशहूर है, संत परंपरा के ऊपर। अच्छा लारी साहब, मुझे बताइए, चलिए आपने कहा, नहीं आपने कहा कि ये शून्य वाली पार्टी है, एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा, बीएसपी के साथ आपका एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा था क्या? कल को उनका भी साथ नहीं लीजिएगा आप? वो कौन सी पार्टी है, वो किसकी पार्टी है, उसके लिए किस विशेषण का इस्तेमाल करेंगे आप? नहीं है, अपने मतलब के लिए उनके पैरों में भी लेट जाएंगे लोग। अच्छा, उनके पैरों में भी लेट जाएंगे? हमारे वहां तो एक आदमी डिसीजन लेता है, चरित्र नहीं है। अच्छा, तो बोलने का हक भी नहीं है, तो वो नेशनल चैनल पिघलट नहीं होता है, पिघलट तरह की घटिया बात करने वाले पार्टी के लोगों को बोलने भी नहीं देना चाहिए। पिघलट की तरह नेता है तो कहां तक आदमी नेता आएगा? इतना की इतनी तारीफ कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आपको, आपके रिश्तेदार भी लेता है, ये भी बैठे होंगे पान की दुकान में, आप भी भाजपा की तरह हैं, तो बेवकूफ तो जिंदा के खिलाफ बात करते हैं और अजाज की चाटुकारिता करने पहुंचेंगे। भाई समाजवादी पार्टी दे दो भाई, मेरा ये ट्रांसफर कर दो ताकि मेरे 2 लाख रुपए दलाली मिल जाए। देना नहीं, आपका बस चले, ये लोगों को लड़वा दो, ये यूपी है, ये हरियाणा का है, मारो इनको, छोटे छोटे दल्ले हैं, ये दिल्ली का है, मारो इनको, अपना इतिहास खुद नहीं जानते। अच्छा ठीक है लारी साहब, मैं आ रहा हूं, रमनीश्वर जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। रमनीश्वर जी, अगर लारी साहब ये कह रहे हैं, कॉन्फिडेंट है कि भैया हमारी सरकार बन रही है फुल मेजोरिटी में, तो अगर इनकी सरकार फुल मेजोरिटी में बन रही है अखिलेश भैया की, तो साथ में छोटे छोटे दलों को क्यों ले लिया है? चाट में ओपी राजभर को भी ले लिया है, महान दल को भी ले लिया है, और भी 3-4 पार्टियों को क्यों जरूरत पड़ रही है भैया? काहे आप जो सवर्णों को ओपी राजभर गाली दे रहे थे, आज उनको साथी बना रहे हैं ये, कल को आप देखिए परशुराम जयंती मनवा रहे थे, परशुराम भगवान की
जो पर्सा है उसके ऊपर ये उद्घाटन करने गए थे, विमोचन करने गए थे। तो ये दोहरी तरह की राजनीति, राजनीतिक तुष्टिकरण ये लगातार करती आ रही है सपा। और ये सिर्फ और सिर्फ अब देखिए क्या है कि मुलायम एम वाई समीकरण से आगे निकल करके अब ये ब्राह्मणों को लुभाने के लिए हर तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि इनको अब तक जो है ब्राह्मणों का वोट नहीं मिला है। क्यों क्यों नहीं मिला, इसके पीछे क्या कारण रहा होगा? क्योंकि ये भ्रष्टाचार, घोटाला और दंगा इस तरह की नीतियों को अपना करके जीती आ रही है। आप देखिए कि माफिया राज, इनका जो पिछला का आप बैकग्राउंड निकालिए तो माफियाओं के बदौलत ये जो है सपा की पार्टी की फंडिंग होती आ रही थी। इसके वजह से आज देखिए योगी आदित्यनाथ आज सत्ता में है, 2017 में इसीलिए जनता ने इनको नकार दिया, क्योंकि ये जातिवाद की राजनीति करते आ रहे हैं, घोटाले की राजनीति। ये सारे इनके आप देखिए ऑर्डर के मामले हमारा देश अपना लिया, विधायक जी का कुत्ता भूल गया था याद है, उत्तर प्रदेश में कैसे ढूंढ रही थी को आप बाहरी बता रहे हैं। तो आपके लिए मैं बहुत अच्छा है, एक बात मैं पेश करना चाहता हूँ, लारी साहब कोई अवतार कभी ऊपर से नहीं आता, यही बस भैया। लारी साहब तो फिर ये बताइए ना कि आजम खान की भैंस को कौन ढूंढ रहा था? लेना चाहूंगा आजम खान साहब की भैंस को कौन ढूंढ रहा था? किसकी पुलिस ढूंढ रही थी? भैंस का तो दूध पिया जाता जब है। अव्यवस्था बिल्कुल ढूंढ रही थी, अव्यवस्था लाचार की अति हो जाती है लाली साहब। ये हमें से उबरता कोई मुक्ति दाता, यूपी त्रस्त हो गई थी नकलचियों से, मजलूम की संतानों से, यादवगिरी से, मायागिरी से, अवैधों से, समाजवादी पार्टी के मुताबिक मैं मूल प्रश्न पर आता हूं कि अगर ये बाहरी बता रहे हैं तो जनता ने तो 2017 में बहुत बड़ी भूल कर दी बीजेपी को चुनकर, और उससे बड़ी भूल बीजेपी ने कर दी सीएम योगी आदित्यनाथ को बनाकर, एक बाहरी को बना दिया। देखिए जनता ने प्यार दिया योगी आदित्यनाथ जी को, 4.5 साल में लगभग उन्होंने कानून व्यवस्था जो ध्वस्त हो चुकी थी, जो जिनकी आजम खान की भैंस को ढूंढने के लिए पुलिस निकल पड़ती थी, लेकिन गायत्री प्रजापति को अखिलेश यादव लेकर घूमते थे, जब सुप्रीम कोर्ट का डंडा चलता था तब उनको कहते थे कि ठीक है अब इनको अरेस्ट कराया जाएगा, रेपिस्ट को लेकर के घूम लेते थे, लेकिन पुलिस ढूंढती थी केवल भैंसे वाले को, जो भैंस है आजम खान की उनके भैंसों को ढूंढते थे। और मैं उनसे पूछता हूँ, अरे भाई यूपीए सरकार के भागीदार क्यों बने आप? विधायक सिंगर, अरे भाई, अरे ये बताओ सोनिया गांधी जी इटली से आई होगी, यूपीए सरकार के साथ गठबंधन क्यों किया आपने? वो तो विदेशी थी, उसके बावजूद भी गठबंधन किया, उनकी गोदी में जाकर के लेट गए, उनके चरणों में नतमस्तक होकर के बैठ गए। भारत के नागरिक को बोल रहे हो भारी है, उत्तराखंड के नागरिक को बोल रहे हो भारी है, ये मानसिक रूप से दिवालियापन है आपका और कुछ भी नहीं है, मानसिक रूप से दिवालियापन है। और मेरी लाल के अधीन अपने देखते रहो, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्य की सरकार टंके की चोट पर बन रही है, तुम बिल बिलाते रहो, बिल बिलाते रहो, आदित्यनाथ जी ने मुख्यमंत्री अमित शाह जी ने तुम्हारा एक नहीं चंदन दिया, बिल बिलाते रहो, बिलाते रहोगे क्योंकि तुम्हारी सत्ता आती है, पराधिकार नहीं है, भ्रष्टाचार तुम कर नहीं पा रहे हो, कहीं तुम्हारी हो नहीं पा रही है, जनता तुम्हारा सर नहीं पा रहा, भ्रष्टाचार शामिल नहीं हो पा रहे हो, एक परिवार की सरकार तो बन रही थी। आप मनोज भाई, अरे तुम पे आपको मर जाना चाहिए, अब्बा जान तत्ता जान आपके तो जिन्ना आपको इतना ही याद कर लो, 23 करोड़ सत्ता जमुती है उत्तर प्रदेश की, आपको वोट नहीं देने वाली है, योगी आदित्यनाथ जी दोबारा से मुख्यमंत्री बन रहे हैं देख लीजिएगा, पर भाजपा प्रचंड बहुमत नहीं देगी, बिल बनाते रहो अमित शाह जी के नाम पर, बिल बनाते रहो योगी आदित्यनाथ जी के नाम पर, किताब रहनी है आपके अंदर, क्योंकि देश का खाते और पाकिस्तान का खाते हो, इस थाली में खाते हो, जी में छेद करते हो, उस समीकरण से आते हो आपकी मानसिकता पाकिस्तानी ताली वाली मानसिकता के लोगों को, इस देश में रहकर के अभी भी हिंदुस्तानी नहीं बने हो, हिंदुस्तानी मानसिकता नहीं है आपके अंदर। औरतों को भोगते हो आप, औरतों को भोगते हो,
गायत्री प्रजापति आपके तख्ता थे क्या? गायत्री प्रजापति तख्ता जानते आपके, उसको साथ में अखिलेश यादव लेकर के घूम रहे थे हाईकोर्ट का डंडा। एक बड़ी खबर है, एक बड़ी खबर है, बीएसपी का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला, यूपी की जनता अखिलेश से परेशान है। सुधींद्र भदौरिया बीएसपी के नेता ने बयान दिया है, अखिलेश के शासन में दंगा हुआ, गुंडई हुई, अपने गांव के अलावा पूरे प्रदेश को अंधकार में धकेल दिया। देखिए अखिलेश यादव जी को ये इस प्रकार के सपने देखने की जो आदत है, उत्तर प्रदेश की जनता इससे बहुत परेशान है। उनको पिछली बार जब उनकी सरकार बनी तो उन्होंने मुजफ्फरनगर कांड ढूंढ के उसमें राज्य में हुआ, तमाम तरह के गुंडा तंत्र की तमाम ताकतें बढ़ी और ये गुंडा वादी ताकतों ने जनता को परेशान करके रख दिया। पूरा प्रदेश उस समय उनके शासनकाल में अंधकार के अंदर ढकेल दिया गया था। भाई देखिए लारी साहब, आप योगी आदित्यनाथ को बाहरी बता रहे हैं, बीएसपी आपको कह रही कि आपकी पार्टी गुंडों वाली पार्टी है, आपने प्रदेश को अंधकार में धकेल दिया था, अब ये बीएसपी के नेता। परिवार के विकास के अलावा और सिपाही के विकास के अलावा उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं हुआ। हमारी है ना, जिस मर्जी को मैं पूछना चाहता हूँ, बताइए कितने ब्राह्मणों को आपने डिप्टी सीएम बनाया, कितने ब्राह्मणों, कितने पिछड़े समाज के लोगों ने, वो तो क्लियर है। पिछली डिबेट में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने साफ कर दिया था, कि भले भाई अखिलेश, भले ही समाजवादी पार्टी की सरकार यहाँ पर ब्राह्मणों के साथ जानो विद्वार देकर के विधायक चुनकर ले आए, लेकिन सीएम पद सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव का होगा। डिप्टी सीएम के लिए भी ब्राह्मण को वो देने के लिए तैयार नहीं थे, ये पिछली डिबेट में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने क्लियर कर दिया था। चले, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी मेहमानों के हमारे साथ 10 का दंगल में जुड़ने के लिए।